जिसका डर था वही होने लगा है। ये लड़ाई इसराइल के दक्षिणी बॉर्डर से उत्तरी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी है। पहले ईरान भी शांत था और हिजबुल्ला भी चुप था, लेकिन अब दोनों एक्शन में हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल और अमेरिका को आंख दिखानी या फिर ये कहें कि अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला लगातार इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर गोलीबारी भी कर रहा है और ईरान ने इस बीच ये धमकी भी दी है कि अगर इसराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो दुनिया के मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धमकी तो अमेरिका ने भी दी है और ईरान से कहा है कि वो इसराइल युद्ध में कूदने की गलती ना करे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या असल युद्ध से पहले धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। There's limited fighting already on the northern Israeli border, and I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't. Don't come across the border. Don't escalate this war. That's right. इससे ज्यादा साफ शब्दों में ईरान और हिजबुल्ला को और क्या धमकी होगी? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दोनों को जंग से दूर रहने को कहा, युद्ध क्षेत्र में नहीं आने की चेतावनी दी, मगर हुआ क्या? बयान के 24 घंटे बाद ईरान का काउंटर स्टेटमेंट रिलीज हुआ। तेहरान में बैठे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इसराइल और अमेरिका को सख्त संदेश दिया। अगर इसराइल ने गाजा पर जुल्मों को बंद नहीं किया तो फिर रेजिस्टेंस फोर्स और दुनिया भर के मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा, उनका सब्र टूट जाएगा और फिर कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इन बयानबाजी का असर उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर दिखाई दिया। हिजबुल्ला और इसराइल फोर्स के बीच लिमिटेड वॉरफ्रंट खुल गया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हिजबुल्ला के आतंकवादियों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, इसे नाकाम कर दिया गया। इससे पहले हिजबुल्ला ने एक और वीडियो जारी की, कहा गया कि बॉर्डर पर इसराइल के सर्विलांस कैमरे को ध्वस्त कर दिया गया है। इसराइल के मैतुला शहर के बाहर लगे सर्विलांस कैमरों को निशाना बनाया। मैतुला को क्लोज मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की आर्मी पोजीशंस और बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी गईं। हिजबुल्ला के लीडर हसन फदलल्लाह ने कहा है कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, अभी अगले कदम के बारे में बताने का वक्त है। जर्मनी के चांसलर शोल्ट्ज ने कहा कि ईरान और हिजबुल्ला को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हिजबुल्ला को जंग से दूर रहने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। अब इसराइल का फोकस सिर्फ जीत पर है, उत्तरी सीमा पर हमारे सब्र का इम्तहान न लिया जाए। ईरान और हिजबुल्ला वो गलती न दोहराएं जो पहले कर चुके हैं। इन सारी बातों के बीच इसराइली मीडिया जेरूसलम पोस्ट ने चौंकाने वाला दावा किया। कहा गया कि इसराइल गाजा के अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उन्हें डर है कि जंग में हिजबुल्ला भी शामिल हो जाएगा, इसीलिए वो लेबनान बॉर्डर पर भी तैयारी कर रहे हैं। इन खबरों के बीच इसराइल ने लेबनान बॉर्डर से अपने सेटलमेंट्स यानी गांव खाली करा लिए हैं। अमेरिका के 2600 मरीन इसराइल गाजा और लेबनान बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। इसराइल हमास जंग के बीच ब्रिटेन का युद्धपोत जिब्राल्टर से पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना हो गया। लेबनान से शुतुला की ओर गोलीबारी हुई जिसमें एक की मौत हुई और कुछ नागरिक घायल हुए हैं। IDF ने गोलीबारी का जवाब दिया और हिजबुल्ला के कुछ ठिकानों को तबाह कर दिया। लेबनान देश अपनी ओर से इस आग का जिम्मेदार खुद है और आगे भी जिम्मेदार रहेगा। अब इन सारी बातों को नक्शे पर समझ लीजिए। इसराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है। ये इसराइल का उत्तरी इलाका है। दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्ला के समानांतर सरकार है और 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच एक महीने भर लंबा टकराव भी हुआ था। दोनों तरफ कई कैजुअल्टी हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।